हेलो गाइस, स्वागत आपका टॉपर साइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको काठमांडू चैप्टर की समरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों ऑथर जो है वो पहुँचते हैं काठमांडू। काठमांडू में पहुँचने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि चलेंगे हम कहाँ, हिंदुओं के फेमस टेम्पल पशुपतिनाथ, जो कि एकदम भाई साहब किचर पिचर एकदम, मतलब समझ रहे हो, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था वहाँ पर मंदिर में। हर कोई मंदिर के अंदर घुसना चाह रहा है, हर कोई मंदिर के मेन गेट, मतलब मेन गेट कह रहा हूँ सॉरी, मेन टेम्पल में इंटर करना चाह रहा है धक्का धुक्की देकर। उसी में कहीं प्रिंसेस आ रही है, तुमको लोग रिस्पेक्ट शो करने के लिए लोग झुक रहे हैं। वहीं पर बताऊँ तो भाई प्रिस्ट है, हॉकर्स हैं, हॉकर जानते हो ना, जो छोटे छोटे आपने देखा होगा, आप बेचते हैं सामान ले लेकर चल चल कर, हाँ चिल्ला चिल्ला कर, हाँ। और डेवोटीज हैं, डेवोटीज का मतलब होता है भाई जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में। जैसे हिंदू लोग हिंदू धर्म में बिलीव रखते हैं, मुस्लिम लोग मुस्लिम धर्म में बिलीव रखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टूरिस्ट हैं घूमने आए हुए हैं, साथ ही साथ, अरे भाई ये तो रहते ही हैं, साथ ही साथ उसी में कहीं गाय है, कहीं बंदर है, तो कहीं कबूतर है, तो कहीं कुत्ता है, हर जगह लोग इधर उधर घूम रहे हैं। और ये टेम्पल इतना ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा है, इतना भीड़ भाड़, इतना किचर पिचर हॉच पॉच हो गया है। कुछ वेस्टर्न से आए हुए डेवोटीज हैं, वेस्टर्न से आए हुए डेवोटीज का मतलब है कि वो लोग जो कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है जो वेस्टर्न से आए हैं, क्योंकि वो ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो हिंदू हैं, और इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही अलाउ हो जाना। फिर क्या मेरे दोस्तों, एक बहुत ही तगड़ा बिलीव है कलयुग का कि ये कलयुग कब खत्म होगा। तो मेरे दोस्तों मंदिर के बगल में ही बागमती रिवर फ्लो कर रही है, बह रही है। वहां पे एक छोटा सा धार्मिक प्लेस है जिसे हम लोग बोलते हैं श्रीन। श्रीन का मतलब क्या होता है, एक रिलीजियस प्लेस, आधा जमीन के अंदर है और आधा जमीन के ऊपर है, समझ रहे हो, आधा जमीन के अंदर है वो और आधा जमीन के ऊपर है, कुछ समझ लो यार, कुछ छोटा सा प्लेस है जो कि मंदिर जो है ना वो आधा जमीन के अंदर और आधा जमीन के ऊपर है। लोगों का ये बिलीव है कि एक दिन, जिस दिन ये पूरा का पूरा जो पत्थर का जो जमीन है ना, पत्थर का स्टोन लगे पड़े हुए हैं स्टोन प्लेटफॉर्म है, जिस दिन वो उससे ऊपर निकलेगा वो श्रीन, उस दिन भगवान निकलेंगे उसके अंदर से, और इस ईविल पीरियड का, ये जो कलयुग है जो कि ईविल पीरियड है, उसका खात्मा होगा, उसका एंड होगा, भगवान इस तरीके से एंड करेंगे। अब ऑथर भाई पशुपतिनाथ टेम्पल चले गए, अब ऑथर जाते हैं बौद्धनाथ स्तूपा के पास, स्तूपा जो कि एकदम ट्रैंक्विलिटी से भरा पड़ा था। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एकदम पीसफुल एटमॉस्फियर, पूरा शांति से भरा हुआ है, एकदम स्टिलनेस है। स्टिलनेस का मतलब एकदम स्थिर, कोई चहल पहल नहीं, एकदम शांति, मानो ये दुनिया, ये पूरा हर चीज रुक गया हो, एकदम थम सा गया हो। एकदम पशुपतिनाथ टेम्पल के अपोजिट था, वही कुछ तिब्बतियन लोग थे जो कि तिब्बत से आए हुए थे, वो सड़क के किनारे किनारे आउटर एज पे सामान बेच रहे थे, बैग्स बेच रहे थे, तिब्बतियन प्रिंट्स बेच रहे थे, सिल्वर ज्वेलरीज बेच रहे थे। ऑथर काठमांडू को एक्सप्लोर करते हैं, उसके लोकल मार्केट में जाते हैं, देखते हैं, बहुत भरा पड़ा था, बहुत हौच पौच था, छोटे छोटे रिलीजियस प्लेस थे जिसे हम क्या बोलते हैं श्रीन, और पतली पतली गलियां थी, और उन गलियों में भी काफ़ी सारे, कोई फल बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई हॉकर, मतलब हॉकर चिल्ला चिल्ला के सामान बेचते हैं, साइकिल पर लाद लेंगे या फिर बाइक पर लाद लेंगे, ऐसे ले जाकर बेचते हैं, ये लोग सामान बेच रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हैं, जैसे आपके सब्जी मार्केट में होता है। खैर ऑथर इन सभी चीज़ को इन्जॉय करते हैं। वहीं कोई रेडियो पर बहुत तेज से, बहुत किसी फिल्म का सॉन्ग बहुत तेज बजा रहा है, कोई कार की हॉर्न बजा रहा है, कोई साइकिल का बेल बजा रहा है, मतलब भाई लोग चला रहे हैं तो आवाज़ तो आएगी ना, तो पूरा मार्केट को उन्होंने इन्जॉय किया। फिर प्लान किया कि भाई चलते हैं घर अब वापस। सो वहाँ से वो चले गए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस पे, और वहाँ से उन्होंने टिकट खरीद लिया दिल्ली के लिए, और होटल की तरफ जा रहे थे रेस्ट करने के लिए। होटल की तरफ आ ही रहे थे तभी ऑथर ने रास्ते में एक फ्लूट सेलर को देखा, जो कि अदर सेलर की तरह नहीं था, जो बाकी जो लोग बेच रहे थे ना उनकी तरह नहीं था।
मानो जैसे ये जो फ्रूट सॉरी फ्रूट कह रहा हूँ फ्लूट बांसुरी वाला जो सेलर था वो ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसे म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार हो। वो चिल्लाकर बेचना कम और वो बजाना ज़्यादा जानता था। वो बहुत बजा रहा था और बजा रहा था, कोई मांग रहा है तो उसे दे रहा है फ्लूट, फिर क्या फिर बजाना चालू कर दे रहा है। ये चीज़ ऑथर के कानों को एकदम मोह लिया। ऑथर एकदम बह गए उसकी भावनाओं में, क्योंकि ऑथर हमेशा से अटैच हो जाते हैं फ्लूट के म्यूजिक से। वो कहते हैं कि जब भी वो फ्लूट की आवाज़ सुनते ना तो उन्हें कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मतलब यहाँ पर उन्हें याद आता है, हर बार नहीं कहते हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्हें जो है कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड रिमाइंड होता है उनके दिमाग में। ऐसा क्यों, ऐसा क्या मतलब है कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड का? तो यहाँ पर मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि हर कल्चर में अपना अपना फ्लूट है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में बांसुरी है उसका क्लासिकल म्यूजिक, वही हम बात करें साउथ अमेरिका की तो वहाँ पर क्लियर एंड ब्रीदी फ्लूट्स हैं, और वही हम बात करें चाइना की तो वहाँ पर हाई पिच्ड फ्लूट्स हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि फ्लूट जो है वो यूनिवर्सली प्ले किया जाता है। इस तरीके से जो फ्लूट है ना वो कॉमनैलिटी लाता है, हर मैनकाइंड का एक कॉमन बना देता है। और ये बात ऑथर को बहुत ही डीपली अफेक्ट करता है। वो सरप्राइज जाते हैं इस चीज को देखकर कि ये चीज उन्होंने पहले कभी किसी विजिट में नोटिस ही नहीं किया, इस बार आके इस चीज को नोटिस किया। किस चीज को? कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। सही, मैनकाइंड कॉमन है, एक है। किस चीज से इन्होंने ये चीज बताया? तो एक फ्लूट के जरिए बताया कि सबके पास अपना अपना फ्लूट है। दोस्तों इस तरीके से चैप्टर खत्म होता है।